दोस्तों, इस तरीके का जो फूल होता है ये मार्केट में बहुत ही महंगा आता है। इसे आपको पता है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है? हम बताते हैं, ये घर में पड़ी हुई बेकार पन्नी जो हम फेंक देते हैं, सब्जी वाली पन्नी होती है या फिर मिठाई वाली पन्नी होती है, उसे हम फेंक देते हैं, उसी पॉलीथीन से ये फूल बनता है। आप इस फूल को सजावट के लिए बहुत ही महंगे महंगे दामों में मार्केट से लेकर आते हैं। आज हम आपको घर पर इसे बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। आप देख करके चौंक जाएंगे कि ये इतने आसानी से इतना अच्छा फूल बन सकता है। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी कैंची और स्टेपलर और एक पेन चाहिए होगा। एक किसी चीज़ का ढक्कन आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहें उतना बड़ा ढक्कन आपको ले लेना है। और उसके बाद हमें चाहिए पॉलीथीन। अगर आपको एक फूल बनाना है तो दो पॉलीथीन आपको चाहिए होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे हमें इसे बनाना है। तो दोस्तों, इस तरीके की पॉलीथीन को आपको ले लेना है, कुछ इस तरीके से फैला लेना है पूरे पॉलीथीन को, और उसके बाद कैंची की मदद से इसे किनारे पर कट कर लेना है। ये मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है, आप इसे बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। और उसके बाद आपको ये वाला पार्ट भी कट कर देना है दोनों तरफ, और पॉलीथीन को आप पूरा अच्छी तरीके से खोल लेना है। खोल करके कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। आप जितना या बड़ा छोटा चाहते हैं उतना बड़ा छोटा इसे फोल्ड कर सकते हैं। ये हमने चार लेयर में फोल्ड किया है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे फोल्ड करना है और फिर स्टेपलर की मदद से बीचों बीच से इसे स्टेपलर लगा देना है इस तरीके से। और फिर आपको ढक्कन रखना है और उस पर निशान लगा लेना है, और उसके बाद कैंची की मदद से इसे गोलाई में कट कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने गोलाई में इसे कट कर लिया है। तो जिस तरीके से ये हमने इस वाले पार्ट को कट किया है, ठीक उसी तरीके से हमें दूसरे पॉलीथीन को भी करना है। तो सबसे पहले इसके किनारे को काट लेना है और फिर उसके बाद यहाँ ऊपर वाला पार्ट कट कर लेना है, फिर इसको कट कर लेंगे और उसके बाद पॉलीथीन को पूरा हम खोल लेंगे। तो इस तरीके से खोल करके अच्छे से इसे हमें फोल्ड करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीका है। आप चाहे जितना फूल आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से खोलने के बाद अब इसे आपको फोल्ड करना है। ये हम तीन चार लेयर में फोल्ड कर रहे हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इसे हमें बराबर फोल्ड करना है जिससे कि आसानी से फोल्ड हो जाए कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसे भी ठीक उसी तरीके से फोल्ड करना है जितना बराबर आ जाए। और फिर पंच की मदद से बीचों बीच में पंच लगा देना है, एक पंच इधर से एक और इसी बीच में लगा देना है। और फिर गोलाई में कोई भी आप बड़ा छोटा बना सकते हैं, गोलाई में कोई भी ढक्कन रख करके या कुछ भी रख करके निशान लगा दीजिए जिससे ये मेजरमेंट हो जाएगा। और उसके बाद इसे कट कर लेना है, कट करके कुछ इस तरीके से रख देना है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, कैंची उठाना है और धीरे धीरे इस तरीके से कट करना है। यहाँ पंच के पास तक नहीं कट करना है, थोड़ा सा पहले ही, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने कट कर लिया है, ठीक इसी तरीके से आपको पूरे गोलाई में कट कर लेना है। पतले पतले पीसेज आपको कट करने हैं। अगर ये थोड़ा गड़बड़ भी रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बाद में जब फूल बन जाएगा ना तो वो कुछ दिखाई नहीं देगा कि आप कहाँ, आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ पर हमसे गलती हुई थी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये कट कर लिया है। इसी तरीके से ये दूसरा वाला भी कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करके आप बहुत सारे फूल आसानी से बना सकते हैं। इससे आप तोरण भी बना सकते हैं,
डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा फूल बना सकते हैं। मंदिर वगैरह में अगर आपको सजाना हो तो दो कलर की पॉलीथीन मंगवाइए और उसके बाद आप सारे फूल बना डालिए और फिर सुई धागे की मदद से माले की तरह बना लीजिए और अच्छे से आप इसे कहीं पर भी सजावट के लिए रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कट कर लिया और उसके बाद अब दोनों को एक कर लेना है और फिर से एक पंच लगा देना है। देखिए, और उसके बाद अब इसे खोल लेना है। कुछ इस तरीके से कर देंगे ना तो ये आसानी से खुल जाएगा, पूरी लेयर अलग अलग हो जाएगी। जब ये अलग हो जाएगी तो एकदम बहुत ही अच्छा फूल देखने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मार्केट का है और ये हम घर पर बनाए हैं। ये देखिए इसी तरीके का दिख रहा है, ये पीला है और ये सफेद है। इस तरीके से आप ढेरों सारा फूल बना करके उसके बाद आप धागे में इस तरीके से पिरो देंगे तो ये आपका एक तोरण टाइप का बन जाएगा। आप घर में जितने भी पड़ी बेकार पॉलीथीन है उसका यूज करके इस तरीके से बहुत ही अच्छा तोरण बना सकते हैं। दोस्तों ये देखिए फूल कितना प्यारा लग रहा है, जब आप इसे खोलेंगे इस तरीके से कर देंगे तो ये पूरा अच्छे तरीके से खुल जा रहा है, तब अच्छा लग रहा है। ये दिखने में पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट का है कि घर पर बनाया हुआ है। आप इस तरीके से एक बार इसे जरूर बनाइए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।